मास ऑफ बैल्ट पर मीटर रन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू क्या इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ ऑफ बेल्ट। देखो डेंसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू टी और लेंथ, वैल्यू पुट कर दिया अपन ने डेंसिटी की है अपने पास 1/1000, क्रॉस सेक्शन 25 1.1 और लेंथ को मान लिया पर मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। डेंसिटी जो दे रखी है 1 ग्राम पर cc, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तब 1/1000 लिया है। इसको सोल्व करने पर फॉर्मूला आ जाएगा 2.75 kg/m। तो मास ऑफ बेल्ट कितना आ गया अपने पास 2.75 kg/m। बट TC=130, मैक्सिमम पावर केस में जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है 1/3 होता है टोटल टेंशन का। अब अपने पास 1/3 तो है ही और टोटल टेंशन निकाल चुके हैं 5770 न्यूटन, पहले पुट कर दी सोल्व कर दिया तो TC=1923.3 कितना आ गया 1923.3 न्यूटन। और T1 कितना होता है 2/3 ऑफ T, वापिस टी की वैल्यू पुट कर दी, T1 अपन निकाल चुके हैं सोल्व करने पर 3846.6 न्यूटन। तो TC निकाल दिया और T1 भी निकाल दिया। T2 निकाल देंगे रिलेशन से, T2=½T दैट इज गिवन। तो अपने पास T2 कितना आ गया 1923.3 न्यूटन। ओके भी निकाल देंगे मैक्सिमम पावर कंडीशन केस में, क्योंकि TC=2 कितना होता है mv2, TC=mv2, इससे अपन निकाल देंगे वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। वैल्यू पुट कर दी टीसी और एम की, सोल्व करने पर अपने पास वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितनी आ गई 26.45 m/s। पहले ही बता चुके हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड केस है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड T1 - T2 × V। तो T1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, T2 निकाल चुके हैं, V निकाल दूंगे, सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ देखो रेशियो दे रखा T1/T2=2, तो T1=2×T2, या T1 की जगह पर ने क्या रख दिया 2×T2 - T2 × V। सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ T2 रह गया और × V, T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आ जाएगा अपने पास 1923.3 × 26.45। अपने पास जो वैल्यू आएगी वाट में आएगी, वैल्यू ज़्यादा है, किलोवाट बनाने के लिए अपने 1000 से डिवाइड कर दिया और सोल्व करने पर अपने पास जो वैल्यू आएगी पी की 50.87 किलोवाट, ये आंसर है। यानी कि अपने पास जो बेल्ट ड्राइव का मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन केस में न्यूमेरिकल दिया है उसमें जो वैल्यूज है टेंशन की, जो टायर साइड टेंशन और स्लैक साइड टेंशन है, उनकी वैल्यूज इनडायरेक्टली निकालनी पड़ेगी जो गिवन डाटा है उनसे। तो इस केस में हमने T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली है, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है, उनको सब्स्टिट्यूट करने पर अपने को क्या अभी पी मैक्स यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड इक्वल टू 50.87 किलोवाट आंसर। ओके थैंक यू।